हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ तो मिल गया। हमजा शहबाज को जेल से बाहर रखने के लिए हिकमत अमली भी तैयार। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू। मुस्लिम लीग नून ने फौरी तौर पर पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। सैमुअल्ला खान कहते हैं कि PAC-1 की सरबराई हासिल करना अपोजिशन का हक है। हुकूमत वादा करने के बावजूद टाल मटोल से काम ले रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म जारी। पंजाब में अपोजिशन रहनुमा की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाप्त की। नैब से जवाब तलब करने का नोटिस जारी। अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ हमजा शहबाज। हमजा शहबाज हाईकोर्ट पहुंचे तो कारकुनान की बड़ी तादाद पहले से मौजूद थी। नारों की गूंज, कारकुनान के बीचों बीच कमरे अदालत तक पहुंचे। कमरे अदालत में रश बढ़ने पर समात रोकनी पड़ी। हमजा शहबाज के नारेबाजी से रोकने पर दोबारा समात शुरू हुई। पूरी जमानत की खबर मिलते ही मतवालों का जश्न। हमजा हमजा और शेर शेर के नारे। मॉडल टाउन पहुँचने पर भी कारकुनान का वालेहाना इस्तकबाल। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर की हाईकोर्ट में पेशी। पार्टी रहनुमा से इजहार यकजहती के लिए मतवाले अदालत पहुंचे। परवेज मलिक, राणा मशहूद, राणा मोहम्मद इकबाल, ख्वाजा अहसान और दीगर भी शामिल। लीगी रहनुमा खलील ताहिर सिंधु कहते हैं कि नैब इंतकामी कार्रवाई कर रहा। हमजा शहबाज पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। लीगी कायदीन को पहले भी इंसाफ मिला, अब भी मिलेगा। अमजद परवेज एडवोकेट आजम नजीर तारड़ पर मुश्तमिल वकला की टीम के हमजा के हक में दलाइल। डेप्टी डायरेक्टर चौधरी असगर समेत नैब की 8 रुकनी खसूसी टीम पेश हुई। रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत दी गई वकील हमजा शहबाज। हमजा शहबाज के खिलाफ नैब लाहौर में 3 केसेज जेर तफ्तीश हैं। साफ पानी और रमजान शुगर मिल्स केस के वारंट जारी नहीं हुए। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार करना है नैब प्रोसिक्यूटर। मेरे मौकल बेगुनाह हैं, नैब शवाहिद पेश करे, जवाब देंगे वकील सफाई। हमजा के खिलाफ अरबों की ट्रांजैक्शन के सबूत मौजूद हैं, नैब प्रोसिक्यूटर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कल 11 बजे तलब कर लिया। नैब ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलबी का नोटिस 96H मॉडल टाउन मौसूल करवा दिया। शहबाज शरीफ से अहलिया नुसरत शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल होने वाली रकम से मुतालिक पूछताछ की जाएगी नैब सराय। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के लिए एक और मुश्किल, नैब का फिर बुलावा। 10 अप्रैल को दिन 11 बजे तलब कर लिया, तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया। शरीफ फैमिली के फ्रंट मैन की दुबई फरार होने की कोशिश नाकाम। रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। FIA ने ऑफ लोड करके नैब के हवाले कर दिया। मुश्ताक चीनी पर 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। जराए नाम ECL में नैब को मतलूब था। मुश्ताक किसी शुगर मिल का मैनेजर नहीं, ना ही कभी मुलाजिम रहा। तर्जुमान शरीफ खानदान। शरीफ खानदान केस के अहम मुलजिम मोहम्मद मुश्ताक को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक ने 50 करोड़ रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किए। मुलजिम मोहम्मद मुश्ताक को कल एहतसाब अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा, नैब एलामिया जारी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की लाहौर आमद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का कल जाती उम्रा में मुलाकात पर इत्तफाक। सियासी सूरत हाल और फौजी अदालतों के क्याम पर मुशावरत होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की तजवीज़ पर भी गौर होगा।
मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से नून लीग लाहौर की क्यादत की मुलाकात, हमजा शहबाज के तंजीम साजी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली सलीम भट्ट समेत दीगर भी मौजूद रहे। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी, मजीद समाअत 16 अप्रैल को होगी। लाहौर में तमाशा लगाया गया, हम भी कारकुन इकट्ठे कर सकते थे मगर हमें अदलिया पर एतमाद है। शेख सदीकी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जब इस्लाम फैल रहा था उस वक्त भी साजिशें इस्लाम के खिलाफ होती थी, तो हम तो बहुत अदना से लोग हैं, सियासी लोग हैं। हसद जो है, हसद तो जब तक ये दुनिया रहेगी हसद रहेगा, तो हसद पे अच्छा इसमें मेरे भाई हसद हार। मैं एक जुमले में इसकी इस बात का जवाब दे दूं सर, कि बस मैं सिर्फ यही कहूंगा कि प्यारे हसद ना कर, मेहनत कर बस। क्या पंजाब हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है? वजीर खुराक और वजीर ज़राअत के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी का सवाल। नौमान लंगड़ियाल और समीउल्लाह चौधरी ने मुश्तरका तौर पर कहा, मेहनत कर हसद ना कर। 22 अप्रैल से बारदाना की तकसीम शुरू होगी। छोटे काश्तकारों की बेहतरी के लिए 130 अरब की गंदम खरीदेंगे। किसानों की शिकायत के अजाले के लिए सेंटर्स में कमेटियां कायम कर दी गईं। किसानों की रहनुमाई के लिए टोल फ्री नंबर भी मुतारिफ करवा दिया गया। 8 माह में महकमा खुराक की कारकर्दगी बेहतर बनाई। सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी और तर्जुमान वजीर आला डॉक्टर शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि हमारे मौजूदा ज़खायर फूड सिक्योरिटी के ज़खायर के मुताबिक हैं। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का पंजाब की तारीख का बड़ा फैसला, पहली मर्तबा 3x3 रजिस्ट्री मुहर्रर तायुनात। अरसे दराज से तायुनात लाहौर के 52 रजिस्ट्री मुहर्ररों के भी तबादले। सालिया सईद कहती हैं कि ख्वातीन की बतौर रजिस्ट्री मुहर्रर तायुनाती से करप्शन का खात्मा होगा। डीसी लाहौर सालिया सईद की जेर सदारत इंसदादे पोलियो से मुतालिक इजलास। मार्च में पोलियो मुहिम में नाकिस कारकर्दगी और गैर हाजिरी पर बड़े फैसले। डीओ हेल्थ डॉक्टर फैसल की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार और वार्निंग जारी। 18 लेडी सेंट्रल पेट्रोल और सेंट्रल पेट्रोल नौकरियों से बर्खास्त कर दिए। शहर में तामीर, गैर कानूनी प्लाजों के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बड़ी कार्रवाइयां। 6 गैर कानूनी तामीरात में स्मार कार्रवाइयां बंद रोड, आउटफॉल रोड और रावी रोड पर की गईं। एक प्लाजा मालिक ने कर दी बिल्डिंग इंस्पेक्टर की धुलाई। प्लाजा मालिक बिल्डिंग इंस्पेक्टर के दांत तोड़कर फरार और पुलिस मुंह तकती रह गई। तनुमन बहादुर एलीट फोर्स के मजीद 974 जवानों की ट्रेनिंग मुकम्मल। एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया में पासिंग आउट परेड। मेहमान खसूसी आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने परेड का मुआयना किया। जवानों ने मार्शल आर्ट्स का बेहतरीन मुजाहरा भी पेश किया। वक्त के साथ साथ जुराइम पेचीदा और वसत इख्तियार करते जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमान को गिरफ्तार करके सजा दिलवाएं, आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का खिताब। और प्रेस क्लब में पाकिस्तान में शादी के मौजू पर सेशन, एहतमाम सेंटर फॉर कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स ने किया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर राकिब नईमी की खसूसी शिरकत। कहते हैं कि शादी की कोई खास अददी हद मुकर्रर नहीं, उम्र इतनी होनी चाहिए कि मियां बीवी अपने फराइज और जिम्मेदारियां समझ सकें।